गुड मॉर्निंग क्लास, गुड इवनिंग क्लास। लास्ट टॉपिक बेटा, हमने एक रिलेशन निकाला था और वो रिलेशन था कि अगर फोर्स की वैल्यू चाहिए तो डिफरेंशिएट करो पोटेंशियल एनर्जी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिल जाएगा फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस और एक माइनस का सिंबल डालना। इसी तरीके से हमने सीखा कि अगर फोर्स अलोंग वाई एक्सिस निकालना है तो डिफरेंशिएट करो पोटेंशियल एनर्जी को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर फोर्स अलोंग जेड एक्सिस निकालना है तो एक माइनस का साइन एंड डिफरेंशिएट पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू जेड, यू विल गेट फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड फोर्स अलोंग जेड एक्सिस डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू क्या दोस्तों, जेड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं बेटा, ध्यान से समझना। ग्राफ है हमारा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, द ग्राफ इज विद रिस्पेक्ट टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा ग्राफ है। अब मान लो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से हमारा कोई ग्राफ है, क्लियर बात। तो हमको एक चीज पता है कि अगर हम डिफरेंशिएट करें पोटेंशियल एनर्जी को, सॉरी दिस इज पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें पता है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें फोर्स मिलता है। अब एक और चीज समझो, अगर मान लो मैंने यहां पे कोई एक पॉइंट चूज किया, लेट सपोज ये एक पॉइंट है जहां पे डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज कुछ एक्स नॉट है, लेट वी कैन चूज अ पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज क्या बेटा, एक्स नॉट, क्लियर है बात सबको। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को रेफरेंस लेके एक टेंजेंट खींच देता हूं, तो मान लो ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया और पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दिया, मान लो ये तुम्हारा क्या है बेटा, टेंजेंट, और इस टेंजेंट पे मैंने क्या किया, एक एंगल को एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे मैंने क्या किया दोस्तों, एक टेंजेंट खींच दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये टेंजेंट कुछ एंगल बना रहा है, लेट सपोज दिस एंगल इज क्या बेटा, थीटा, लेट सपोज द एंगल इज थीटा। तो अब अगर हम सबको दिख रहा हो बेटा, तो हम सब जानते हैं कि जब कभी भी कोई एंगल एक्स एक्सिस से बनता है तो उसको टैन के इक्वल लिखना होता है, तो हम अगर इसको थीटा की जगह टेन थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा टेन थीटा। अब एक चीज समझना, क्या होता है बेटा कि किसी पॉइंट के टेंजेंट का जो स्लोप होता है, देखो थीटा मतलब होता है स्लोप, स्लोप, ठीक है, तो किसी स्लोप का टेन थीटा अगर तुम लिखते हो बेटा तो वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये याद रखेंगे हम, ये सब लोग याद रखेंगे, लिख लो इस चीज को, राइट डाउन। If we write slope in terms of tan theta, if we write slope in terms of tan theta, if we write slope in terms of tan theta, then tan theta is equals to, then tan theta is equals to dy by dx. Tan theta is equals to dy by dx, dy by dx. तो अब देखो यहाँ पे y मतलब du है, मतलब क्या हो जाएगा, du by dx will be equals to tan theta, dy by dx
इज इक्वल टू टेन थीटा। अब समझ में आना चाहिए हमको कि डीयू बाई डी एक्स जो होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स और एक माइनस का साइन। अब इस माइनस को तुम उधर ट्रांसफर कर सकते हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डीयू बाई डी एक्स। तो देखो इससे क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है बेटा कि अगर तुम्हारे पास कोई ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का तो तुम उस ग्राफ का टेन थीटा फाइंड कर लो और उसमें एक माइनस का साइन लगा दो, तुमको क्या मिल जाएगा बेटा, फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर ले फिर हम लिखेंगे। राइट डाउन, if we find the slope of graph potential energy versus x, in terms of 10 theta, then it gives the value of force। हमें उस केस में क्या मिलेगा बेटा, फोर्स का वैल्यू मिलेगा। क्लियर है बात सबको? तो ये है आपके पास ये एक ग्राफ। अब मैं एक नया ग्राफ बनाता हूं जिसमें अपन देखते हैं कि क्या बातचीत हो सकती है। अब ये हमको समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का अगर ग्राफ गिवन है बेटा तो उस ग्राफ का तुम स्लोप निकाल लो इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, तुमको क्या मिल जाएगा, फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना एक नई चीज, मान लो मेरे पास ये ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का और मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, क्लियर बात? अब मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, मान लो इस पॉइंट पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है, लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो हमको पता चल गया बेटा कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है डीयू बाई डी एक्स along with minus sign, और हम सब जानते हैं du by dx का मतलब force होता है, मतलब tan theta is equals to हमको मिलेगा f of क्या बेटा x। clear बात? तो अब अगर तुम समझ में आ रहा तुमको तो ये theta basically tangent का slope है, slope of tangent। ठीक है बेटा, slope of tangent। तो अब देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इस पॉइंट का एक टेंजेंट खींचता हूं, ये हो गया तुम्हारा इस पॉइंट पे टेंजेंट, लेट सपोज दिस इज योर टेंजेंट। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो टेंजेंट है ना इसका जो स्लोप है वो जीरो है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम सबको पता है टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो फोर्स के इक्वल होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेन जीरो इज इक्वल टू क्या बेटा, एफ ऑफ एक्स। टेन जीरो जीरो होता है मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स अचीव करेगा पार्टिकल वो कितना होगा बेटा, जीरो होगा। अब एक चीज याद रखना, यहां पे फोर्स जीरो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं नेट फोर्स जीरो है। अब अगर तुमको याद हो बेटा तो हम सब ने सीखा है कि अगर कहीं पे नेट फोर्स जीरो है तो उस पॉइंट को या उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो हो उस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होता है और उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। हेंस दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या दोस्तों, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को अपन कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो रही है बात सबको? तो इस फोटो को छाप लो और फिर लिखेंगे, हमें याद रखना है, जल्दी से कॉपी कर लो।
राइट डाउन द पॉइंट वेयर, द पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट, द पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो, द पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट that is for that point net force is equals to zero, that is for that point net force is equals to zero. अब देखो बेटा, यहीं से हम शुरू करते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को. तो इक्विलिब्रियम के बेटा तीन टाइप होते हैं. एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है बेटा नेचुरल इक्विलिब्रियम. तो अब हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स, इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स. तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है बेटा, इक्विलिब्रियम बेसिकली तीन टाइप का होता है. पहला इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. एक होता है आपका अनस्टेबल और एक होता है बेटा आपका नेचुरल इक्विलिब्रियम. तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम है हमारे कोर्स में जिसको अपन पढ़ेंगे. एक होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होगा आपका नेचुरल इक्विलिब्रियम. जल्दी से अब इसको कॉपी कर लें. तो अब तुमको समझ में आना चाहिए बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो, जीरो. और स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होने का मतलब होता है उस पॉइंट पे पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगेगा बेटा वो कितना होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो आप एक एक करके अपन पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या होता है. देखो इक्विलिब्रियम के नेचर को समझने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, एक रूल फॉलो करना होता है. ठीक है, ध्यान से समझना. जैसे मान लो मेरे पास इस तरीके का बाउल है, सबके घर में होगा ये बाउल बेटा, इस तरीके का एक बाउल है लेट सपोज. और मैंने क्या किया, इस बाउल में ना एक मार्बल को छोड़ दिया, वो जो कंचा होता है जिससे बच्चे खेलते हैं मार्बल. ठीक है, ऐसे मैंने छोड़ दिया. तो अब तुम क्या देखोगे बेटा, ये मार्बल ऐसे आएगा और यहां तक आएगा, फिर ये मार्बल क्या होगा बेटा, पीछे आएगा और यहां तक आएगा, फिर क्या होगा ये मार्बल वापस आगे जाएगा और यहां तक आएगा, फिर पीछे आएगा यहां तक आएगा और एट द एंड ऑफ द टाइम क्या होगा बेटा, ये यहां पे चुपचाप आके रुक जाएगा. तो देखो ये वो पॉइंट है जहां पे एफ नेट की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो. यहीं पे आके ये मार्बल क्या होगा, रुकेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है. और अगर तुम ध्यान से देखो तो जब ये मार्बल को मैंने यहां से छोड़ा तो ये यहां आया, फिर यहां से ऊपर गया. तो जब ये यहां गया है ना तो इस पे फोर्स की वैल्यू किधर लग रही है बेटा, पीछे की तरफ, तभी तो ये पीछे आएगा. फिर ये पीछे आया यहां तक, इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू किधर लग रही है, आगे लग रही है. फिर ये आगे गया, फिर फोर्स का डायरेक्शन क्या है बेटा, पीछे की तरफ. फिर ये वापस यहां आया, फिर फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ बेटा, आगे की तरफ. तो टू एंड फ्रो मोशन करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मार्बल जो होगा वो यहां पे रुक जाएगा. इस पॉइंट पे एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो. इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा. अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक कदम आगे गए, तो जब तुम एक कदम आगे तो इस पॉइंट
फोर्स का डायरेक्शन क्या है बेटा? नेगेटिव साइड। एक कदम पीछे आए तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है बेटा? पॉजिटिव साइड। एक सिंपल सी बात समझो कि वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है बेटा, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट से एक कदम आगे गए तो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव साइड, इस डायरेक्शन का मतलब होता है नेगेटिव, और इस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। इसी डायग्राम से, इसी कॉन्सेप्ट से मैं तुमको नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम समझाऊंगा। एक और समझो, मान लो मैंने इसी बॉल को उल्टा करके रख दिया इस तरीके से, तो और एक मार्बल लिया, तो देखो अगर मार्बल को तुम यहां पे रखोगे ध्यान से, तो यहां पे एफ नेट की वैल्यू क्या होगी बेटा? जीरो। क्यों एफ नेट की वैल्यू जीरो होगी? क्योंकि शांति से यहां पे पड़ा रहेगा। तो अगर शांति से यहां पे पड़ा रहा तो एफ नेट की वैल्यू जीरो, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहां पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है इस मार्बल पे? जीरो लग रही है। अब मैं क्या करता हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक कदम आगे और एक कदम पीछे, तो अब सोचो अगर तुम एक कदम पीछे आए मतलब यहां पे, तो क्या होगा? मार्बल सरक जाएगा नीचे, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ। इसी तरीके से अगर मार्बल को मैंने यहां रखा तो सरकेगा नीचे, तो इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ। तो देखो ये तो पीछे की तरफ है, मतलब ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में बेटा? नेगेटिव साइड। और ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव साइड। ठीक है, क्लियर बात? तो ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है इक्विलिब्रियम को समझने का। तो अब मैं तुमको ग्राफ में समझाता हूं कि इक्विलिब्रियम स्टेबल वाला जो होता है वो क्या होता है। तो राइट डाउन, सब लोग लिखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और कैसे बातचीत होती है उसकी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का देखेंगे सब लोग। तो देखो बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, वो हमेशा तुमको याद रखना है बेटा पैराबोलिक शेप का होता है, मतलब इस तरीके का होता है। ठीक है, क्लियर बात? दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले तुमको क्या करना है बेटा इक्विलिब्रियम के ग्राफ में? वो पॉइंट चूज करना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो हो। और टेंजेंट का स्लोप जीरो होने का क्या मतलब होता है दोस्तों? टेंजेंट का स्लोप जीरो होने का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी मिले तुमको? जीरो मिले। तो सबको दिख रहा है बेटा, ये देखो ये वो पॉइंट है, यहां पे मान लो मैंने टेंजेंट खींचा, तो इस टेंजेंट का स्लोप जीरो है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहां पे एफ नेट की वैल्यू कितनी है? जीरो। और मान लो ये पोजीशन है x is equals to x naught। अब वो पॉइंट जहां पे नेट फोर्स तुमको जीरो मिला, वो पॉइंट जिसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कह रहे हो तुम, या वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट का स्लोप जीरो है बेटा, उससे अपन को क्या करना है? एक कदम आगे चलना है और एक कदम पीछे आना है। तो मैं एक कदम आगे चलता हूं, मतलब यहां पे मान लो x की वैल्यू x1 और एक कदम पीछे x की वैल्यू कितनी बेटा? x2। तो देखो इसमें क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है उससे जब तुम एक कदम आगे चलो तो फोर्स तुमको क्या मिले बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन में मिले। और एक कदम पीछे चलो तो फोर्स तुमको क्या हो बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन में मिले। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखो कैसे, हम सबको पता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। मैं आपको बता चुका हूं टेंजेंट ऑफ स्लोप कैन गिव द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। किसी भी टेंजेंट का स्लोप जो होता है बेटा वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देता है। तो मैं क्या करता हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक कदम आगे गया, अब यहां पे मैं क्या खींच रहा हूं बेटा? इस तरीके से एक टेंजेंट खींच रहा हूं। तो एक टेंजेंट खींच दिया, अब देखो तुम ये मैंने बना दिया थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो होता है थीटा, यहां पे जीरो और यहां पे थीटा कितना बेटा? 90। तो अब अगर तुमको दिख रहा हो बेटा तो ये है तुम्हारा टेंजेंट। क्लियर हो ये बात सबको? तो ये जो टेंजेंट है, ये थीटा जो भी वैल्यू होगी वो जीरो और 90 के बीच में होगी। थीटा इज
बिटवीन 0 डिग्री टू क्या बेटा 90 डिग्री। अब 0 से 90 का मतलब होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सब जानते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप सोचना जरा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप है वो वैल्यू तुमको, क्योंकि 0 से लेकर 90 के बीच में है टेंजेंट का स्लोप, इसका मतलब ये टेन थीटा तुमको क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, तो फोर्स क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसका मतलब इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव साइड होगा। क्लियर है बात सबको, समझो बात को ध्यान से। मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढ ली, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं क्या हुआ, एक स्टेप आगे गया और एक स्टेप पीछे आया। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप आगे जाकर वो टेंजेंट खींचा, तो टेंजेंट का स्लोप मुझे पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो टर्म कुल मिला के फोर्स क्या आएगा बेटा, नेगेटिव ही आएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ खींचेगा। अब एक कदम पीछे आ जाओ, यहां पे भी सेम चीज बेटा, हमको क्या करना है, पॉइंट लेके टेंजेंट खींचना है। तो आप सब अगर देख रहे हो तो ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, और ये हो गया 0 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो आप सबको यहां दिख रहा है बेटा कि यहां पे जो थीटा है ना, थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। अब थीटा अगर 90 से बड़ा है, थीटा अगर 90 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टेन थीटा की वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, टेन थीटा की वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और टेन थीटा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो सही है, इस डायरेक्शन में अगर देखो तुम तो फोर्स तुमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अब इसको कॉपी कर ले, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर अपन एक कदम आगे चले तो फोर्स नेगेटिव साइड हो, एक कदम पीछे आए फोर्स पॉजिटिव साइड हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जल्दी से इसको कॉपी कर ले, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या बातचीत होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत। अब हम बात करते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो राइट डाउन हेडिंग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या बातचीत होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये हो गया आपका ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, और अब हम बात कर रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो देखो बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ हमेशा इस तरीके का होगा, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब वापस से तुमको ढूंढना है वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट का स्लोप जीरो आए, उस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप मतलब फोर्स, उस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो आ रही है इस पॉइंट पे। क्लियर है सबको, तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या बेटा, इक्विलिब्रियम पोजिशन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये किसी वैल्यू x is equals to x naught पे है, x is equals to x naught पे नेट फोर्स कितना, जीरो। क्यों नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप तुमको कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अब इससे एक कदम आगे और एक कदम क्या बेटा पीछे, मान लो इस पॉइंट का x is equals to x1 और ये पॉइंट है x is equals to कितना, x2। अब मैं दोनों पॉइंट पे क्या करता हूं बेटा, टेंजेंट खींचता हूं। तो देखो दोनों पॉइंट पे अपन टेंजेंट खींचते हैं,
तो मान लो इस पॉइंट का टेंजेंट हो गया ये और इस पॉइंट का टेंजेंट हो गया ये। अब अगर तुम देखो तो इस टेंजेंट का स्लोप थीटा और इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या बेटा थीटा। हम सबको दिख रहा होगा कि ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 90, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब टेन थीटा तुमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो हम सब जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो अगर टेन थीटा नेगेटिव है और फोर्स भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात सबको। अब इसी तरीके से वापस इस पे देखें तो इस पे अगर तुम देखोगे तो ये हो गया 0 डिग्री और यहाँ पे हो गया बेटा 90 डिग्री, मतलब थीटा इज लेस देन 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या मिलता है, पॉजिटिव। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एफ एक्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या बेटा, नेगेटिव, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव, इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव। इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और सही है ना, देखो यहां पे अगर तुमको याद हो तो मैंने सिखाया था कि यहां पे कंचे को रख दो तो फोर्स 0, यहां से इधर आ जाओ तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है और यहां आ जाओ तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लें। चलो अब हम बात करते हैं लास्ट इक्विलिब्रियम की, दैट इज नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो हेडिंग डालो नेचुरल इक्विलिब्रियम, नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो अब नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो हम देखते हैं। राइट डाउन नेचुरल इक्विलिब्रियम। नेचुरल इक्विलिब्रियम मान लो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ, इस तरीके का जो ग्राफ होता है बेटा होता है नेचुरल इक्विलिब्रियम का। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें वो पॉइंट ढूंढता हूं जहां पे नेट फोर्स 0 है। तो ये पॉइंट है मान लो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, यहां पे हम सबको पता है टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा 0, मतलब ये पॉइंट 0, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर मैंने क्या कहा, एक स्टेप आगे चलना है और एक स्टेप पीछे आना है। तो एक स्टेप आगे चलो मतलब यहां पे और एक स्टेप पीछे आओ मतलब यहां पे, ये हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू x1 और ये हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू x2। यहां पे भी टेंजेंट कितना आ रहा है 0, यहां पे भी टेंजेंट कितना आ रहा है 0, मतलब फोर्स नेट 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक कदम आगे गए तो भी फोर्स 0, एक कदम पीछे आए तो भी फोर्स 0। क्यों, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप दोनों पोजीशन पे क्या मिल रहा है तुमको, 0 मिल रहा है बेटा। इसलिए ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग नेचुरल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नेचुरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और देखेंगे और क्या क्या बातचीत हमारे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में है। इस चैप्टर में बेटा अगला फेज जो होगा वो होगा कोलिजन का। तो कोलिजन क्या होता है, कैसे होता है और कितने टाइप का होता है वो पढ़ना है।
और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं बेटा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो तुम्हारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। इसके बाद मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर हमारा बचता है, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जो कि थोड़ा लेंदी और टफ चैप्टर है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब लोग नोट्स बनाएंगे और मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।